बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंडर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। सही, एक्सक्रीशन के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। चले हम इसका शुरुआत इस तरह करते हैं कि जस्ट वी ईट, हम खाना खाते हैं। सही, सो क्या जो हम खाते हैं ये हमारे जिस्म में ही रहता है? एक क्वेश्चन मार्क के, डज वी ईट द थिंग्स दैट रिमेन्स इन अवर बॉडी, क्या वो हमारे सिर्फ जिस्म में रहेंगे? नहीं। सही, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईट करते हैं सो वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मसलन आटा वगैरह, ठीक है, या फिर सब्जियां, ये कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट होता है। वी ईट लिपिड्स, ठीक है जी, वी ईट प्रोटीन्स लाइक गोश्त वगैरह या अंडे वगैरह, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। हम ईट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। So, होता क्या है, हमारे जिस्म में जाके कार्बोहाइड्रेट दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक, और इसके साथ हमें मिलता है क्या है, प्लस दैट इज प्लस दे गिव अस एनर्जी। सही, लिपिड्स भी सिमिलरली, लिपिड्स का भी यही हाल होता है कि नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएंगे, अगेन इनके साथ भी हमें प्लस एनर्जी मिलेगी। सही, जबकि प्रोटीन्स का जो अंश है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, दे आइदर प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है, यानी ये अमोनिया बना सकता है, प्लस मे बी अमोनिया जैसा वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाए या फिर यूरिक एसिड में। सही, सो यानी प्रोटीन्स अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया यूरिक एसिड या फिर यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर मैं से थोड़ा सा स्मॉलर, यानी बेसिकली प्रोटीन्स अगर मेटाबोलाइज होती हैं बॉडी के अंदर सो ये क्या बनाएंगी, या तो पहले अमोनिया बनाएंगी, सही, अमोनिया से यूरिया या फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। सही, और इसके साथ साथ हमें क्या मिलते हैं, प्लस वी गेट एनर्जी। सही, इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अब ये हमारे फूड कॉन्टेंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक। अब इसमें हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्या ये हमारे जिस्म में रहेंगे? नो, बेसिकली ये फूड का पोर्शन है हमारे पास, सो ऑल दिस आर नोन एज फूड, जबकि जो ब्रैक इक्वेशन के इस साइड पे है ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे, सो दे आर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक, कि यानी इनको बॉडी के अंदर रखना फायदेमंद नहीं है बल्कि उल्टा नुकसानदेह है। सही, वी कैंट कीप दिस वेस्ट प्रोडक्ट, सो इन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नाउन एज एक्सक्रीशन, इसको हम क्या कह देंगे, एक्सक्रीशन। सही, सो क्या स्टोरी थी कि शुरू में हम जो खाते हैं क्या वो हमारे जिस्म में रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो बल्कि मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, ये फूड हम जो लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट में। साथ जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज होगी, ये एनर्जी होगी, ये हमें रिक्वायर्ड है, साथ प्रोटीन्स कुछ हमारी बॉडी मेकअप भी करती हैं। सही, इसमें एक चीज आ जाएगी, प्लस बॉडी मेकअप, हमारी जिस्म के जो बहुत से हिस्से हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। सो जो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स हैं, ऑल दिस थ्री, 1, 2, 3, सो ये बॉडी के काम आते हैं, बकाया जो चीजें बनती हैं दिस आर वेस्ट प्रोडक्ट, सो इन वेस्ट प्रोडक्ट को जो रिमूव कराना है इसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। सही, सो ये होगी डेफिनेशन, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज द एक्सक्रीशन, और मेनली ये मेटाबॉलिकल वेस्ट होते हैं। सही, ऑल दिस वेस्ट आर मेटाबॉलिकल। सो ये तो एक्सक्रीशन थी एनिमल्स के बारे में। सही, अब हम थोड़ा सा प्लांट्स की तरफ चलते हैं, प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंट केस है, लाइक प्लांट्स की अगर हम एग्जाम्पल लें, प्लांट्स जो से हैं उनकी रूट्स जो से हैं दे गेन, उनकी जो ईटिंग प्रोसेस होता है फॉर एग्जाम्पल वो क्या यूज करते हैं, सो वो अगर हम बात करें ईटिंग के अंदर वो वाटर लेते हैं, दे नीड वाटर, इसके अलावा ये साल्ट से आयंस वगैरह इकट्ठा करते हैं, ठीक, और दे नीड लाइट, ठीक है, लाइट जरूरत होगी, लाइट जो से ईटिंग में नहीं आती, लाइक दे नीड वाटर, आयंस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस आर ईटिंग, ये जो से इनकी फूड के अंदर आएंगे मटीरियल। सही, सो रूट्स इसकी वाटर गठी करेंगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सराउंडिंग से इंटर होगा। सही, अब इनके वेस्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, लाइक वेस्ट प्रोडक्ट क्या है इनका, वेस्ट प्रोडक्ट्स में इनके कार्बन डाइऑक्साइड आएगा जो कि रेस्पायरेशन की वजह से बनेगा, रेस्पायरेशन,
कार्बन डाइऑक्साइड दैट कम्स आफ्टर रेस्पिरेशन, सॉरी रेस्पायरेशन के जरिए आएगा, देन ऑक्सीजन है जो कि फोटोसेंसिस में वेस्ट बनेगी इसकी, ठीक। क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे लिए जो सा यूजफुल प्रोडक्ट है, यानी हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन जब फोटोसेंसिस होती है प्लांट्स के अंदर तो ऑक्सीजन यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी, सही। इसके अलावा फूड यानी C6H12O6 जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये भी इनकी फोटोसेंसिस की वजह से बनते हैं, ठीक है। ये अगेन फोटोसेंसिस की वजह से बनेंगे, ये भी इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, सही। तो यानी थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट जो उसके एनिमल्स के और प्लांट्स के बहुत डिफर करते हैं, लाइक जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर मतलब ऑक्सीजन हमें चाहिए, फूड हमें, यानी हम फूड कंसिडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, सही, लेकिन ये इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। और दूसरा इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन इनके लिए यानी रिक्वायर्ड है। सो ये थोड़े से डिफरेंट है इसमें। अब हम जरा प्लांट्स की एक्सक्रीशन को जरा डिटेल में पढ़ते हैं, यानी क्या क्या एक्सक्रीशन हो सकती है। मतलब हम एक प्लांट बॉडी को स्टडी करते हैं, लाइक ये प्लांट बॉडी आपको सामने नजर आ रही है, इसके ये रूट्स हैं, रूट्स में से क्या ऑब्टेन करते हैं कि वाटर यानी H2O इसकी रूट्स में से बॉडी के अपर पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर। फिर जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए, ठीक है जी, ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस हो रहा है किसके जरिए, ट्रांसपायरेशन के लिए। ये भी किस्म का उनका कह लेंगे वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वाटर क्योंकि प्लांट बॉडी को चाहिए भी, तो इसलिए वो पीछे से वाटर की इतनी सप्लाई मेंटेन रखते हैं कि जो लॉस है उसके वजह से प्लांट पे कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा इसके अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी, लाइक O2 विल रिलीज, किसकी वजह से, फोटोसेंसिस की वजह से, ठीक। और अगर ये पौधा कोई लाइक फल शल बनाता है, लाइक गिव अस सम फ्रूट, ठीक है, अब फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सही। सो ये फ्रूट भी इसके लिए क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो कि फोटोसेंसिस की वजह से बनेगा, ठीक है। और समटाइम्स इसके जो लीव्स हैं, ये जो लीव्स हैं दे बिकम, सॉरी, सो दे आर बिकम येलो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑटम सीजन, खजां के मौसम के अंदर जो ये लीव्स होते हैं ये येलो हो जाते हैं, ठीक है, येलो हो जाते हैं या ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, एंड दे फॉल डाउन, ठीक है, जमीन पे गिर जाते हैं, दे जस्ट फॉल डाउन। सो ये भी एक किस्म है एक्सक्रीशन की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है। इस जो लीव्स है इसको हम एक्सक्रीटोपोर्स कहते हैं, एक्सक्रीटोपोर्स, सही, सॉरी एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं, पोर्स में फोर्स यानी PHOS, एक्सक्रीटो फोर्स। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें किस तरह के, इन ऑटम सीजन्स, ऑटम सीजन्स, ठीक है, लीव्स आर इम्प्रेग्नेटेड, इम्प्रेग्नेटेड से क्या मुराद है कि इनके कलर चेंजेस हो जाती है, ठीक है, वो क्यों होते भी हम बात करते हैं, दे आर इम्प्रेग्नेटेड एंड फॉल डाउन, ठीक है, और गिर जाते हैं, इसको एक्सीटोफोर्स कहते हैं, ठीक है, दिस लीव्स आर नोन एज एक्सीटोफोर्स। सो होता क्या है कि बेसिकली जब कह लें कि बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है ना, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट जो है वो इनके ऊपर लोड कर देता है, सही, यानी दिस लीव्स आर लोडेड विद वेस्ट प्रोडक्ट, सही, यानी वेस्ट प्रोडक्ट पूरे साल का जो है एनुअल, ठीक है, कौन सा होगा, एनुअल वेस्ट प्रोडक्ट, सारे साल का जो सब वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना वो प्लांट क्या करेगा, एक ही दफा पत्तों में डालेगा जिसको उसका कलर चेंज भी होता है, और उसके बाद उसे गिरा देगा, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि किश्ती है, किश्ती के अंदर आप सारा वेस्ट प्रोडक्ट डाल के उसे समंदर में छोड़ देते हो, सही, फिर वो रिसाइकल होता रहता है, वो फर्दर प्रोसेस है, लेकिन इस सारे स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को या इन लीव्स को हम एक्सीटो फोर्स कहेंगे। तो ये भी एक किस्म के एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो नहीं, इसका कलर येलो हो जाता है, दे बिकम येलो इन कलर एंड दे बेसिकली इम्प्रेग्नेटेड विथ वेस्ट मटीरियल, और उसके बाद ये फॉल डाउन होंगे ऑटम सीजन के अंदर, और इसे हम एक्सीटोफोर्स कहेंगे। सो हमारे पास कौन कौन से कह लें कि प्रोसेस होगी जिसके वजह से वेस्ट मटीरियल रिमूव हो रहा है, जिसमें सबसे पहले ट्रांसपायरेशन हो गया, नंबर वन इज ट्रांसपायरेशन, फिर ऑक्सीजन की जो है ये स्टोमेटा के जरिए होता है, स्टोमेटा, ठीक है, उसकी रिमूवल स्टोमेटा के जरिए, फोटोसेंसिस के जरिए, फोटोसेंसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन बनती है स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होती है।
इसके अलावा फ्रूट्स का प्रोसीजर होगा कि जो फ्रूट्स बनते हैं वो भी प्लांट्स के लिए बेस मटेरियल होता है। तो प्लांट्स क्या करता है, अपने जो फूड जो बनती रहती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसे स्टोर करते रहता है अपने यूज के लिए भी, और फिर फ्रूट्स जो से जो एक्सेस फूड होगी ना वो फ्रूट्स की शक्ल में या वेजिटेबल की शक्ल के अंदर स्टोर होती जाएगी। तो वो थर्ड वन प्रोसेस हो जाएगा। फोर्थ वन प्रोसेस हमने एक्सक्रीटोफोर्स, सॉरी थर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे अगेन मैं। सो फोर्थ वन प्रोसेस हमारे पास एक्सक्रीटोफोर्स आ जाएगा कि जो सारे साल का डेड या कह लेंगे मटेरियल वेस्ट होगा वो प्लांट्स के अपने लीव्स के अंदर लोड करेगा ऑटम सीजन के अंदर, और उसके बाद उसे शेड कर देगा, ठीक है, उन्हें गिरा देगा। इसको हम एक्सीटोफोर्स, इस वजह से हम लीव्स को एक्सीटोफोर्स कहते हैं, सही। फिर कुछ और प्रोसेस भी होते हैं, मसलन एक प्रोसेस है जिससे हम कहते हैं इबोनी। इबोनी जो सा है एक डार्क वुड होती है इनसाइड द प्लांट बॉडी, यानी जहां पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब इनकी ग्रोथ होती जाती है, जो सेंट्रल जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ना, जो सेंट्रल यानी वुड के सेंटर में होते हैं, सो उसके अंदर क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल स्टोर होता जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल स्टोर्स स्टोर इन सेंट्रल जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि डार्क कलर ले लेता है, डार्क ब्लैक कलर ले लेता है, जिसे हम डार्क ब्लैक इन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टेम, ठीक है, सेंट्रल स्टेम कह लेंगे, स्टेम के सेंटर के अंदर, ठीक है। ये जो सेंट्रल रीजन है ये डार्क हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वेस्ट वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है, तो इसका कलर ब्लैक और डार्क हो जाता है, और इसको हम एबोनी कहते हैं। तो ये भी एक अडाप्टेशन है। सो ये कौन सी होगी आपके पास, फिफ्थ वन अडाप्टेशन होगी। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है ग्यूटेशन का नाम से, सही। मसलन मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सही से लेट्स सपोज इट इज अ लीफ जिसके आपके सेंटर में मिड रिब नजर आ रही है, फिर इनकी वेन्स हैं, सही। तो समटाइम्स क्या होता है कि वाटर इनके जो साइड्स हैं यहाँ पे जमा होता है। आप कभी एक होती है ओस, कभी शबनम आपने फील की हो, शबनम होती है पौधों में। सो शबनम क्या होती है बेसिकली कि वो जो लीव्स के मार्जन्स हैं उसमें से वाटर जो सा वो बाहर आ रहा होता है, ठीक है, कि वाटर जो सा इसके अंदर आता है, सो इट गोज आउट थ्रू मार्जन, ठीक है, इस तरह मार्जन से वाटर बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्यूटेशन। सो ग्यूटेशन में भी क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो सा है, एक्स्ट्रा H2O, इट इज लॉस आउट थ्रू द पोर्स, कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वाटर लॉस होती है थ्रू पोर्स ऑफ लीव, ठीक है, कि लीव्स के पोर्स में से वाटर लॉस होगी, सही। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन के अंदर मेनली जो है वो स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है और उससे कह लें कि वाटर लॉस हो रहा होता है। यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स के मार्जन्स के साथ, ठीक है, मार्जन्स में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनके जरिए से वाटर लॉस हो रहा होता है, जिसे हम ग्यूटेशन कहते हैं। सो ये भी प्रोसेस है एक एक्सक्रीशन का। सो इस तरह हमारे पास ये पांच प्रोसेस हो जाएंगे कलेक्टिवली अगर हम कहें, जिसके जरिए से प्लांट जो है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर रहा है। सो इसके अलावा भी बहुत से मेथड होते हैं, मसलन उसकी डेड स्किन भी वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होती है, ठीक है, कि जो आउटर कवरिंग होती है ना, मसलन जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक, वो अगर आप उसको देखें ना उसके बाहर जो रफ सी कवरिंग हुई होती है, सो ये भी एक किस्म का उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अकोमुलेट कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट इन डेड आउटर कवरिंग, ठीक। सो यानी हमारे जिस तरह हमारे ह्यूमंस बॉडी के अंदर जिस तरह ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी यानी लाइफ के साथ साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट जो उनसे हम एक्सक्रीट आउट करने पड़ते हैं। तो चले हम रिवाइज करते हैं, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से भला, एक्सक्रीशन से। सबसे पहले हमने बात की लाइक वी टेक फूड, ठीक है, हम खाना खाते हैं, तो क्या ये हमारे जिस्म में रहेगा, नहीं, बल्कि वो अपना काम करेगा। मसलन कार्बोहाइड्रेट अगर हम यूज करें वो एनर्जी देगा, लिपिड्स भी एनर्जी देंगे, प्रोटीन हमारी बॉडी मेकअप में काम करेगा, ठीक। इसके अलावा जो रिमेनिंग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें वो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनका फिर बॉडी से निकलना जरूरी हो जाएगा, सही। सो इन प्रोसेस को, इन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको हमने एक्सक्रीशन कहा था। फिर हमने प्लांट्स की बात की, प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। मसलन
सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट बात हमने नोट की थी वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें चाहिए होती है एज अ फूड के तौर पर, ठीक। फिर इन्हें पानी चाहिए, आयन चाहिए, लाइट चाहिए, सही। और वेस्ट प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो कब है? जब रेस्पिरेशन करेगा प्लांट, सही। मोस्टली यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस यूज होते हैं फोटोसेंथेसिस के अंदर, सही। यानी वो हम जब बात करें फोटोसेंथेसिस, वहां पे डिटेल में बात करें। सो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होती है, लेकिन सम टाइम मतलब रात के टाइम जब फोटोसेंथेसिस रुक जाती है सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि पौधों के नीचे रात के टाइम नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाती है, फोटोसेंथेसिस रुक जाती है। दूसरा, ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो बनाएंगे ये भी इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्स्ट्रा फूड कहलाएंगे। वो फिर किस शेप में स्टोर करते हैं? लाइक फलों में, सब्जियों में स्टोर कर देंगे। और एक चीज यहाँ पे मिस कर गया, लाइक एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो सा होगा वो एक्स्ट्रा H2O वाटर भी जो सा वो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आएगा। फिर हमने स्टार्ट की एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन प्लांट्स के लिए हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर था पौधे का, जिसके अंदर लीफ, फ्लावर्स, स्टेम और ये फ्रूट मैंने अलग से बनाया था, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, लाइक फ्रूट, मैंगो फ्रूट कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सही। सबसे पहले तो इसमें वाटर लास्ट की बात की कि वाटर जो है जो कि रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब होगा और हायर स्टेम्स के अंदर जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस होगा ट्रांसपरेशन, के लीव्स में से वाटर जो है वो एवेपोरेट होगा, ठीक है, एस्केप करेगा। इस प्रोसेस को ट्रांसपरेशन कहा था हमने वाटर लास्ट में। फिर ऑक्सीजन की बात की कि ऑक्सीजन जो है यानी ये फोटोसेंथेसिस के जरिए जो बनती है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर जाएगी, लीव्स के सरफेस को, लीव्स के अंदर से स्टोमेटा के जरिए रिलीज होगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड होगी वो फ्रूट की शक्ल में स्टोर हो जाएगी, या वेजिटेबल्स होते हैं बास की, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स बनती हैं, ठीक है, तो उसकी शक्ल में स्टोर हो जाएंगी और फिर बाद में वो रिलीज कर देनी ह्यूमंस के या एनिमल्स के काम आ जाती है। वो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए फूड के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्सक्रीटोफोर्स के लिए, ठीक है, कि जो जो ऑटम का सीजन आता है, नहीं मौसम खजा आता है, तो प्लांट अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है सारे साल का कह लें, ठीक है, वो इन पौधों पर, इन पत्तों में लोड कर देता है और ये फिर फॉल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ऑटम सीजन के अंदर ये पत्ते गिर जाते हैं और इन्हें फिर एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है, सही। और इनके कलर चेंज हो जाता है क्योंकि ये कह लें कि इसके अंदर इम्प्रेगनेशन हुई होती है, ठीक है, इम्प्रेगनेटेड होते हैं, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लोड किया जाता है। जिस तरह आप कहेंगे दरिया में किश्ती में आप वेस्ट प्रोडक्ट डाल के उसे छोड़ देते हो, बिल्कुल उस तरह। इसके अलावा हमने इबोने की बात की कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके सेंट्रल जो जाइलम और फ्लोएम बंडल्स होते हैं वो नाकारा हो चुके होते हैं, लाइक वो कंडक्शन, वाटर कंडक्शन नहीं कर सकते, फूड कंडक्ट नहीं होती, तो उसके अंदर फिर वो वेस्ट मटेरियल पोर यानी उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। वो सेंट्रल डार्क जो सब पार्ट बनता है ना स्टेम का, वो इबोनी कहलाता है, सही, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट अकोमुलेट हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद ग्यूटेशन की बात की, ठीक है। ग्यूटेशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, लाइक जो जिसे हम शबनम का नाम दिया था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, शबनम, ठीक, कि रात के टाइम मोस्टली जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, क्योंकि रात को तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, तो वाटर फिर क्या होता है कि लीव्स के पत्तों में से निकल कर जमा होना शुरू हो जाता है, ड्रॉप्स बाय ड्रॉप गिरना शुरू होता है, इसे हम ग्यूटेशन कहते हैं, सही। मोस्टली ये नाइट को होती है, नाइट को, इसलिए सुबह के टाइम में शबनम मिलती है, फिर दोपहर को शबनम नजर नहीं आती। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट जो सा डेड आउटर कवरिंग में भी स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो जो सेकेंडरी यानी ग्रोथ होती है ना, यानी प्लांट अपना साइज बढ़ा रहा होता है, जो अपने डायमीटर बढ़ाता है, तो उसके जो इर्द गिर्द कवरिंग होती है उसमें भी वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है। ये तो था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और जनरल इंट्रोडक्शन एक्सक्रीशन का। अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे।